cineinc.com. सिनेइंक पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच। नमस्कार, मेरा नाम है अचला शर्मा। सुनिए सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस श्रृंखला में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश कर रहे हैं। इस सीरीज की अगली कड़ी में आज मिलिए ब्रिटेन की एक और महिला कहानीकार उषा वर्मा से। उषा वर्मा कविताएं लिखती हैं और कहानियां भी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य भी किया है। अपने लेखन के लिए उषा वर्मा निराला साहित्य सम्मान, शाने अदब, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जन्मी उषा वर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया और ब्रिटेन आकर अध्यापन का प्रशिक्षण लिया। ब्रिटेन के यॉर्क विश्वविद्यालय और लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। उनके दो कविता संग्रह और दो कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कई रचनाओं के अंग्रेजी, बंगला और चेक भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। परिवेश भारत का हो या ब्रिटेन का, उषा वर्मा की कहानियों के केंद्र में मानवीय करुणा है। आम आदमी के जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं को वो बड़ी ईमानदारी से अभिव्यक्त करती हैं। तो आज सुनिए उषा वर्मा की कहानी कॉस्ट इफेक्टिव, उन्हीं की आवाज में। मैनचेस्टर शहर में आई हुए मुझे यही कोई 4-5 महीने हुए थे। अभी इस शहर के रास्ते मेरे लिए अपरिचित ही थे। सुबह उठकर घूमने जाने के दोहरे फायदे को सोचते हुए मुझे लगा कि एक रास्ते पर बार बार न जाकर अक्सर नए नए रास्ते देखकर जाने में अच्छा रहेगा। इससे आसपास की जगहों से और रास्तों से मेरा परिचय हो जाएगा। इस तरह आते जाते कई लोगों से मुलाकात होती, जिनसे कभी केवल मुस्कानों का आदान प्रदान ही होता, कभी मॉर्निंग, कभी सीधी साधी हेलो हो जाती, किंतु नौबत कभी बातचीत करने तक नहीं आती। कई हफ्ते बीत चुके थे कि अचानक एक सुबह घर से निकलते ही कुत्ते के साथ घूमने वाली एक महिला ने हेलो कहते ही मुझसे पूछा, क्या इस शहर में नई आई हो? मुस्कुराते हुए मैंने कहा, जी हाँ, अभी यही कोई 4 महीने हुए होंगे। नित्य घूमने जाने के बहाने जरा शहर के गली कूचों से पहचान हो जाती है, और फिर ये मौसम भी तो बहुत दिन नहीं रहेगा, इसीलिए रोज निकलती हूँ। मेरा नाम अंजू है, इधर ही मेरा घर है, नंबर 8। आप आइए ना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। मेरा नाम शर्ली है, मेरा घर यहाँ से 4 मील दूर उधर गांव में है, आप भी आइए। ऐसे ही औपचारिक बातें करते हुए हम फिर अपनी अपनी दिशा में चले गए। बहुत दिन बीत गए, उनसे मेरी मुलाकात फिर नहीं हुई और उनका ख्याल भी मेरे जहन से उतर गया। मैं शोध कार्य के लिए आई थी, उसी में व्यस्त हो गई। इसी बीच विश्वविद्यालय से वाइस चांसलर के यहाँ से निमंत्रण मिला। मैं भी बड़े उत्साह के साथ पार्टी के कपड़ों में अलग अपनी पहचान बनाने की नीयत से गई। अंदर जाकर मैं देखने लगी शायद कोई परिचित मिल जाए, क्योंकि यह पार्टी ओवरसीज स्टूडेंट्स की थी। पास में खड़ी एक लेक्चरर से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद एक्सक्यूज मी कहकर एक महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, लगा जानती तो हूँ पर परिचय का सूत्र नहीं पकड़ पा रही हूँ। उन्होंने चहकते हुए याद दिलाया, आपसे सुबह वॉक पर मेरी मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले। मैंने ओ यस यस कहकर बड़ी ही अतरंगता से पूछा, फिर दोबारा तो आपसे मिलना नहीं हुआ, मैं तो रोज घूमने जाती हूँ पर आप किसी दिन दिखी नहीं। मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं पीस मूवमेंट में बहुत सक्रिय हूँ और उसी सिलसिले में जर्मनी गई थी। मुझे इंडियन फिलॉसफी में सब कुछ मिल जाता है, योगा बहुत अच्छा है, उसके करने के बाद कितनी एनर्जी मिलती है। भारत में महावीर, बुद्ध और गांधी जैसे महान लोग हुए हैं। मैं सोच रही थी आपके यहाँ आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ नहीं है। एक न एक दिन मैं भारत जरूर जाऊंगी।
आपके यहाँ हिंसा की धारणा कितनी ऊंची है। मेरा मन अंदर ही अंदर गदगद हो रहा था। हम कितने भी गरीब हों पर हमारे पास गर्व करने लायक बहुत कुछ है। मेरे लिए रास्ता थोड़ा सुगम हो गया। ऐसी बड़ी और फॉर्मल पार्टियों में बातचीत का कोई सिरा मिल जाए तो समय आसानी से कट जाता है। अन्यथा छुट्टियों में कहाँ गए या मौसम की बात करके पूरी शाम बिताना आसान नहीं होता। मैंने कहा, हाँ धारणा तो सचमुच अच्छी है, पर सब लोग इसमें ईमानदारी से विश्वास करते हैं, यह भी सच नहीं है। इस बातचीत में खींचे और भी 3-4 लोग पास आ गए और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय दर्शन और अहिंसा में अपना उत्साह दिखाया। अहिंसा की बात आते ही खाने पीने की बात भी आ गई। जानवरों के प्रति अपनी ममता और उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए उन्होंने बताया कि उनके मन में अपार करुणा है। मेरा मन कुछ हीन भावना से भरता जा रहा था। इसी वक्त एक दूसरी महिला ने अपने तर्क दिए। हाँ अहिंसा की बात तो ठीक है, पर विकासशील देशों में इतनी गरीबी है, अगर लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे तो और भी भूख से मरेंगे। इन सारे तर्कों को सुनकर मैं भ्रमित चकित बस चुप हो गई। मुझे लगा बातचीत का सारा सूत्र अब उन्हीं के हाथों में है। मैं आवाक। वैसे भारत के बारे में बोलना एक फैशन सा हो गया है, इसका एहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो गया था। और वही क्यों, हमारे कुछ भारतीय बच्चे भी इसी तरह बातें करते हैं जैसे कि वही अच्छी तरह सब कुछ समझते हैं। हमें उनसे सब कुछ सीखना है। वही कुछ एक संरक्षक की तरह शर्ली का बोलना भी मुझे लगा, पर मैं उसकी तमाम बातें सुनती रहती। इसी बीच मिसेज मार्टिन होस्टेस आई और बोली, चलिए खाना लग गया है, खाते वक्त आराम से बातें करेंगे। फिर होस्टेस का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने बताया कि वेजिटेरियन खाने में क्या क्या है और कहाँ है। शर्ली जरा ऊंची आवाज में बोली, मैं तो वेजिटेरियन ही लेती हूँ। सब ने खाना ले लिया और फिर बातें होने लगी। पीस मूवमेंट, एनिमल प्रोटेक्शन से लेकर आतंकवाद, मुस्लिम समाज, गरज की कुछ भी छूटा नहीं। उस दिन की बातचीत से मुझको लगा कि शर्ली के विचार औसत लोगों से बहुत अलग हैं। शायद उन्होंने काफी पढ़ा भी है, भारतीयता के प्रति उनका सहज झुकाव भी है। रात काफी बीत चली थी, आगंतुकों ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया था। मैंने भी होस्टेस को धन्यवाद दिया और शर्ली के साथ बाहर आ गई। रास्ते भर में शर्ली के बारे में सोचती रही, क्या शर्ली सचमुच निश्चल स्वभाव की है, दुबली लेकिन कद में खूब ऊंची, चाल में आत्मविश्वास की झलक, सब कुछ मिला जुला कर देखने में अच्छी लगती थी। बातचीत में बेहद उत्साह, एक गर्व मिश्रित आतुरता। मैं मन ही मन शर्ली से प्रभावित होती जा रही थी। कुछ दिन बीते, मुझको सुबह सुबह शर्ली फिर मिल गई। अच्छा लगा। बड़ी देर तक खड़ी खड़ी बातें करती रही और तभी बोली, अंजू मैं फिर बाहर जा रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो शर्ली? एक रैली है जो जेल के एशियाई कैदियों के लिए है, उन्हें मांसाहारी खाना देते हैं, इसलिए वे भरपेट खाना खा नहीं सकते, अतः किसी को तो कुछ करना होगा। प्रशासन को जल्दी कोई बात समझ में नहीं आती, इतनी प्रिजडिस है कि क्या कहें। मैंने कहा, आप तो इतना सोचती हैं, कमाल है आपकी। इन लोगों के प्रति सच्ची सहानुभूति देखकर बस मैं तो अभिभूत हो जाती हूँ। कुछ भी कहा नहीं जाता। शर्ली का सर थोड़ा और ऊंचा हो गया। यद्यपि मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, फिर भी शर्ली के सामने पड़ते ही अनायास ही मेरे मुख से कुछ न कुछ अनचाहा निकल ही जाता। शर्ली, नहीं नहीं मैं तो बहुत ही गिल्टी फील करती हूँ, क्या करूँ, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। अब शर्ली और मेरी मुलाकात अक्सर ही होती रहती और फिर यह मित्रता भी परवान चढ़ती रही। शर्ली व्यक्तिगत बातें जरा कम ही करती, अधिकतर रैली या दार्शनिक विचार, जेल, रेस रिलेशंस आदि पर ही बातें होती। मैं मन ही मन सोचती, ये मुझे क्या हो जाता है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती, आखिर मैंने भी उच्च शिक्षा पाई है। फिर मन को समझा लेती, मैं अभी इस देश के बारे में अधिक नहीं जानती हूँ, शायद इसीलिए।
एक बार मिलने पर मैंने शर्ली से एक पाक कला की पुस्तक के बारे में पूछा कि वो कैसी है। शर्ली ने मुझे तुरंत निमंत्रण दिया, मेरे घर मंगलवार को आओ, अगले हफ्ते मैं मंगलवार को बेकिंग करती हूँ, मुझे कंपनी भी हो जाएगी, बात पक्की हो गई। 2 दिन बाद शर्ली का फोन आया, अंजू मेरी एक फ्रेंड उधर रहती है, फ्रीडा, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, अगर तुम लिफ्ट दे दो तो वह बच्चों के साथ आराम से आ जाएगी, उसके पास गाड़ी नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ ये कौन सी मुश्किल बात है, आप उनका पता दे दीजिए। हफ्ते भर बाद मैं मंगल को फ्रीडा के घर पहुंची, उसने अपना परिचय दिया और कहा, आप मेरे साथ शर्ली के घर चलिए। फ्रीडा कुछ असंतुष्ट सी लगी, बोली, मैंने तो कहा था शर्ली से कि मैं आ जाऊंगी, फिर क्यों आपको बेवजह तकलीफ दी। फिर मैंने सुना दूसरे कमरे में वह किसी से कह रही थी, शर्ली हमेशा ग्रेट बनने की कोशिश करती है, इतना दिखावा है उसमें। उधर से क्या प्रतिक्रिया हुई मुझे मालूम नहीं। खैर, फ्रीडा के परिवार के साथ मैं शर्ली के घर पहुंची। शर्ली ने बड़े ही उत्साह से हमारा स्वागत किया। अभी हम बैठे ही थे कि दरवाजे से शर्ली को कुछ दिखा और वह जल्दी से झपट कर उठी और बाहर आ गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद, मामला क्या है यह देखने के लिए मैं भी बाहर गार्डन में निकल आई। देखा, शर्ली एक चिड़िया के बच्चे को जीवनदान देने के प्रयास में व्यस्त हैं। शायद अधमरा सा वह बच्चा बिल्ली के मारक पंजों से गिर गया था और बड़ी ही करुण आवाज में चीं चीं कर रहा था। कभी चोंच आसमान की तरफ उठाकर खोलता, फिर पस्त होकर गिर जाता। चोट लगी जरूर थी। शर्ली ने अपनी बेटी से थोड़ी रुई तथा दूध लाने को कहा और स्वयं उसकी सेवा में लग गई। उसे हथेली पर उठाकर रख लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। फिर रुई का गुदगुदा बिस्तर बनाकर उस पर उसे लिटा दिया। उस नन्ही सी जान को क्या पता कि उसे कितना सुख अनायास ही मिल रहा है। 3-4 बूंद पानी भी उसकी चोंच खोल कर डाल दिया, उसमें सचमुच जान आ गई, वह पंख फड़फड़ाने लगा। ये सब देखकर मैं स्तब्ध रह गई। महावीर और गौतम के देश से तो यह सब गायब होता जा रहा है, और यहाँ। शर्ली ने माफी मांगते हुए कहा, अब आज तो कुकिंग का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ेगा, मुझे इसकी देखभाल करनी होगी, अगर मैं इसकी देखभाल न करूं तो वह कभी अपने को माफ न कर सकूंगी। शर्ली की आवाज में अफसोस का पुट था। फ्रीडा ने कहा, नहीं, मैं बच्चों को रास्ते से फिश एंड चिप्स खिला दूंगी। मुझसे रहा न गया और मेरे मुंह से निकल गया, अरे आप तो कमाल करती हैं, कौन इतना करता है एक चिड़िया के बच्चे के लिए। फिर हम लोग बाहर निकल ही रहे थे कि देखा कि चिड़िया का भाग्यशाली बच्चा पंख फड़फड़ा रहा है और फिर वह उड़ गया, उसे नया जीवन मिला। मैं फ्रीडा और उसके बच्चों को उनके घर छोड़कर वापस आ गई। दूसरे दिन शर्ली का फोन आया, अंजू आई एम वेरी सॉरी, पर अभी मैं बहुत व्यस्त हो गई हूँ, तुम तो जानती ही हो मैंने बकरी पाली है, ताज़ा साफ शुद्ध दूध मिलता है, अब एक बकरी को बच्चे होने वाले हैं, प्रार्थना करो कि बिली गोट ना हो। क्या मतलब तुम्हारा, मैंने पूछा, मैं ठीक से समझी नहीं। शर्ली बोली, बकरी तो दूध देती है पर बिली गोट तो, कहकर रुक गई। फिर बातें होने लगी भारत की। शर्ली कटिबद्ध थी यह बताने के लिए कि भारत की गरीबी दूर करने के लिए गांव की औरतों को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें मधुमक्खी पालना और शहद का व्यापार करना चाहिए, चूल्हे में लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, और भी बहुत सी बातें कि भारत की मिडिल क्लास औरतें कुछ नहीं करती, केवल शो ऑफ में लगी रहती हैं, नौकरों के बिना एक दिन काम नहीं चलता, वगैरह वगैरह। फोन पर उनकी बातें सुनते सुनते काफी वक्त हो गया और मुझे याद आया कि किसी से मिलने जाना है। मैंने क्षमा मांगते हुए फोन रख दिया। आज छुट्टी का दिन था, मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, सोचा थोड़ा शर्ली को दे आऊं। फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं। मैंने सोचा एक बार उसके घर का चक्कर लगा ही लेती हूँ, यदि नहीं होगी तो सब्जी उसके घर पर ही बाहर रखने का इरादा कर गाड़ी निकाली। एक स्टील के डिब्बे में पनीर की सब्जी रखकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ दुविधा थी फिर भी गाड़ी स्टार्ट की। अभी मैं शर्ली के घर पहुंची थी कि बाहर से
अजीब सी भयानक आवाज़ आती सुनाई दी। मैं अंदर जाने वाली थी कि शर्ली बाहर निकली। उनके हाथ में खून से भरा हुआ छुरा था। मुझे देखकर एकदम सकपका गई। मेरी निगाह उठी और उनके पीछे हट के बाहर बकरी के बच्चे का सर खून से लथपथ छटपटा रहा था। मेरे हाथ से स्टील का डिब्बा छूटकर झंझनाता हुआ दूर जा गिरा। मेरी आवाज़ फंस गई, हाथ कांपने लगे। शर्ली कई बार बोली, यह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, यह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। शर्ली तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अहिंसा की पक्षधर। मेरी आवाज़ में एक साथ तलखी थी, कातरता थी। पर तुम्हें यह इतना क्यों खराब लग रहा है? तुम्हारे यहाँ तो सब नॉनवेज खाते हैं। शर्ली ने अपना बचाव किया। हाँ, खाते तो हैं, पर इस तरह तुरंत जन्मे बच्चे को बिना वजह क्यों तुमने इस तरह निर्दयता से मार डाला? वो जिंदा रह सकता था, मैंने अपना लचर तर्क दिया। हाँ, रह तो सकता था, पर उसे खिलाना पड़ता और वह दूध नहीं देता। फिर शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इंग्लैंड में बकरी का मांस नहीं खाते, वह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। शर्ली की आवाज़ में एक अकड़ थी या लाचारी मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरे पर पाश्चाताप का दुख या छाया भी नहीं थी। कॉस्ट इफेक्टिव शब्द नगाड़े की तरह मेरे कानों में बज रहा था। शर्ली कुछ झेपती सी बोली, आओ अंदर बैठो, अब सब काम हो गया। पर मैं अपने को संभालते हुए उल्टे पैर आकर गाड़ी में बैठ गई। कॉस्ट इफेक्टिव, अभी आप उषा वर्मा से उनकी ये कहानी सुन रहे थे। यह कहानी उनके किसी संग्रह में शामिल नहीं है, बल्कि साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित और सुप्रसिद्ध कथाकार स्वर्गीय कमलेश्वर द्वारा संपादित 20वीं सदी की कथा यात्रा के 5वें अंक में शामिल है। उषा वर्मा के कहानी संग्रह हैं कारावास और सिम कार्ड, क्षितिज अधूरे और कोई तो सुनेगा शीर्षक दो कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अलावा उषा वर्मा ने प्रवासी लेखकों की कहानियों की दो पुस्तकों का संपादन किया है, सांझी यात्रा और प्रवास में पहली कहानी। कुछ वर्ष पहले उन्होंने 6 अन्य लेखिकाओं के साथ मिलकर उपन्यास लिखने का एक नया प्रयोग किया, मॉम डैड और मैं। इस उपन्यास का संपादन स्वयं उषा वर्मा ने किया। सिरेंग पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी सीरीज के अंतर्गत अगली कड़ी में आपकी मुलाकात एक और कहानीकार से होगी। मुझे अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। sineink.com ये थी सिनेंक पॉडकास्ट की प्रस्तुति। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तव में गंभीर किस्म के श्रोता हैं। तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौक से सिनेंक का दामन थाम लीजिए। हम पॉडकास्ट के तकरीबन सभी मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए, sineink.com। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और राय भी लिख सकते हैं, post@sineink.com। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, post@sineink.com। सिनेंक पॉडकास्ट, हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच।